बड़ी खबर की, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और सभी 11 सीटों पर नए चेहरे उतारे जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी जानकारी। 2019 का फॉर्मूला लागू होने की संभावना है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो विधायक बनते ही 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, दिग्गजों के पास अभी से पहुंचने लगे हैं आवेदन। तो 11 सीटों पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसे जो है बीजेपी उतारेगी, और बीजेपी इसमें जुट भी चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरे इन 11 सीटों पर उतारे जा सकते हैं, 2019 का फॉर्मूला लागू कर सकती है बीजेपी। विधायक बनते ही अब 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, ये भी बता दें कि दिग्गजों के पास अब आवेदन पहुंचने भी लगे हैं। लोकसभा की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, खासियत बीजेपी की यही रही है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी पहले ही शुरू कर दी जाती है, जुट जाती है बीजेपी पूरी तरह से, संगठन पूरी तरह से सक्रियता दिखाना शुरू कर देता है। और अभी समय है लोकसभा चुनाव में, पर सक्रियता और तैयारी बीजेपी में खूब दिख रही है, तैयारियों में अब जुट चुकी है बीजेपी। आखिर 11 सीटों पर किन्हें उतारना है इस पर मंथन भी शुरू हो चुका है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं अब कि 11 लोकसभा सीटें जो छत्तीसगढ़ में हैं उन पर नए चेहरे बीजेपी उतार सकती है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे रायपुर से हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़े हुए हैं फोन पर। आकाश, हम देख रहे हैं बीजेपी अब पीढ़ी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ चुकी है, विधानसभा चुनाव में हमने ये देख लिया 3 राज्यों में, अब लोकसभा चुनाव में भी खबरें ये हैं कि 11 की 11 सीटों पर नए चेहरे होंगे, इसमें भी पीढ़ी परिवर्तन की बात निकलकर सामने आ रही है आकाश। जी बिल्कुल, परिवर्तन को लेके बीजेपी की रणनीति है, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव को देख लीजिए कि कहीं कहीं नए चेहरे आए और मंत्री भी, नए मंत्रियों को मौका दिया गया है, प्रभावशाली विभाग, बड़े विभाग इन्हें दिए गए हैं। इसके साथ ही जो जीत के बाद शपथ ग्रहण हुआ और बड़ी बैठक हुई, मुख्यमंत्री वो उसमें मौजूद थे, संगठन के तमाम लोग मौजूद थे, लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी जो रणनीति है वो तय की गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाई थी, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जो 11 विधानसभा 11 लोकसभा हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें नए प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, जो भी सांसद है उनका टिकट कट सकता है, नए को मौका दिया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। और जो तैयारियां कर रहे हैं लोकसभा को लेकर, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अब संगठन के बड़े पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, अपनी मनसा जाहिर कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। ऐसे में जल्द ही इसका सर्वे करवाने वाली है बीजेपी और इसके बाद कहीं ना कहीं निर्णय जो है वो बीजेपी का आएगा। जी आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज कार्यभार संभाल लिया है, नए साल के पहले दिन उन्होंने कार्यभार संभाला, मंत्रालय में पूजा कर अपना कार्यभार संभाला है मंत्री ने, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है और विभागों के बंटवारे के बाद नए साल पर नई शुरुआत, कार्यभार संभाल चुके हैं सभी मंत्री, अपने अपने विभाग को देखेंगे और जितने भी पेंडिंग काम हैं, लंबे वक्त से अटके हुए काम हैं, उन पर अब जोर शोर से काम होगा, जल्द काम होगा, पेंडिंग काम निपटाए जाएंगे। और काम की शुरुआत करने से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है ईश्वर का आशीर्वाद लेना, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं और इसके बाद अब कार्यभार जो है उन्होंने संभाल लिया, अब कार्य की शुरुआत, आखिर पेंडिंग काम को किस तरह निपटाना है, साथ ही साथ उनके साथ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। उधर गरियाबंद में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया।